हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली न्यू लर्निंग में। मैं प्रीतम विश्वास। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं रीजनिंग का। आप लोग उम्मीद है कि पहले दो क्लासेस देखे होंगे, ये क्लास 3 है, और नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए, वहीं पे हम लोग ने सारे बेसिक्स डिस्कस किए हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये वाले क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा घर में आंसर्स। अगर कमेंट सेक्शन में जो लोग दिए हैं वो लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आज सॉल्व कराने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्मली कैट में या फिर जेई में, जूनियर इंजीनियर में, एसएससी में, ये सारे बड़े बड़े एग्जाम जो है वहाँ पे आते हैं। बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोग सुने हैं। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, थोड़ा घुमा के देते हैं। तो ये बैंकिंग का एकदम बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। बैंकिंग पीओ में बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं जस्ट फॉर हम लोग को जानने के लिए। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे कि ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो हम लोग पहला दो टाइप है दोनों का पंच, ये हम लोग कैसे निकालते थे। पहले हम लोग इसको मार्क करते थे कि ये पहला वाला ट्राइंगल है, ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, तो टोटल यहाँ से निकल के आया 1 और 2 3 ट्राइंगल। और सिमिलरली यहाँ पे बेस 2 है, 1 2, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 6 निकालते थे, ठीक है ना। ये एकदम बेसिक है, तो यही क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, ये बड़ा वाला क्वेश्चन पहले क्लास में, जिसमें हम लोग बहुत सारा पार्ट में डिवाइड करके फिर इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। फिर हम लोग ये 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या कितना हुआ, 3 10 10 × 3 30। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सारा लाइन जो है ना पूरा है, पूरा शुरू से अंत तक पूरा लाइन है, सारे लाइनों को, सारे जितना भी ये डिवाइड किया है सारे लाइन को काट रहा है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन पे ये देखिए, नीचे वाला लाइन तो पूरा जा रहा है लेकिन ऊपर वाला लाइन यहाँ पे 2 छोड़ के, फिर उसके ऊपर वाला जो लाइन है वहां पे फिर 1 छोड़ के, फिर इधर सिर्फ ये 3 के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो बच्चे जो नॉर्मली गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो ये काउंट कर लेते हैं, पहले तो हम लोग काउंट करना है, कोई भी क्वेश्चन हो ना कुछ भी हो, लेकिन हम लोग पहले काउंट करना है। क्या करेंगे, ये पहला वाला ट्राइंगल है, ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो हम लोग पहले तो ये काउंट कर लेंगे, तो 6 ट्राइंगल से कितना बनता है, 6 × 7/2 दैट इज 21, या फिर हम लोग काउंट करके भी निकाल सकते हैं, 21 निकला। फिर सब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे जो गलती करते हैं ये कर देते हैं कि नॉर्मली गलती जो करते हैं वो मैं रेट से दिखा रहा हूँ, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये 1 हो गया भूमि या फिर बेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 105 आंसर निकाल देंगे। लेकिन और ये वाला आंसर रहेगा भी, ऐसा नहीं है, जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, बहुत लोगों ने आप लोगों से दिया भी होगा एग्जाम, तो वहां पे ये गलत आंसर रहेगा भी, वहां पे ये वाला आंसर रहेगा और आप लोग देखेंगे कि 105 है, अब हमारा ठीक आया है और आप लोग टिक मार देंगे, तो वो गलत होगा, वो होगा ही नहीं, वो गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, क्योंकि अभी मैं ये रेड वाला मिटा देता हूँ कि है ही नहीं, तो गलत है, गलत वाले को तो हम लोग जस्ट समझने के लिए किए, तो ये तो होगा नहीं। तो ये क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि ये अगर पूरा लाइन ज्वाइन होता है इसके तरह तब हम लोग वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा है ही नहीं, हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 नंबर करके ऐड करके फिर इसको मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग हटा दें, ये ना हो, सपोज ये नहीं है, तो फिर हमारा ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये वाले क्वेश्चन अगर टोटल होता फिर उसको हटा देते, यहाँ पे अगर ये लाइन पूरा होता फिर इसको हटा देते, फिर 1 आता, फिर 1 आता, फिर 1 आता, ऐसे करके हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं उतना ज्यादा काउंट ना करके, लेकिन ये तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो हम लोग अगर ऊपर के लिए कंसीडर करें, ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है ना, यहाँ से हमारा 21 निकला, अभी ये वाले पोर्शन को मान लीजिए कि ये नहीं है,
काट दिए नहीं है अभी, ये यहाँ से ऊपर ऊपर से काउंट करेंगे, तो ऊपर से काउंट करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल, फिर यहाँ से आके निकल के आता है 21 आ गया। अभी फिर हम लोग ये वाले क्वेश्चन को हटा देंगे, एक एक पार्ट करके करेंगे, तो ये 21 आ गया, ये 21 आ गया। अभी ये तो पूरा नहीं है, पूरा होता तो फिर से 21 आता, लेकिन अभी पूरा क्योंकि नहीं है तो हम लोग 21 नहीं आएगा, तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 1 2 3 and 4 10, तो यहां से कितना निकल के आता है 10, क्योंकि ये वाला सेक्शन है ही नहीं, यहां से निकाल दिया, इसमें तो बेस है ही नहीं, तो ये पहला पिछला वाला ट्राइंगल ही काउंट करेगा, तो यहां से निकल के आएगा 10 हो गया। फिर से हम लोग ये वाले पोर्शन को निकाल दिए, यहां तक काउंट हो गया, इससे 21 आया, इससे 21 आया, इससे 10 आया। अभी ऊपर वाले सेक्शन में वापस गए, ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे कितना आया, ये पहला वाला ट्राइंगल, अभी ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये पांचवा, यहां से निकल के आया 15 हो गया। और लास्ट में हम लोग ये वाले सेक्शन को काट देंगे, और काटने के बाद यहाँ पे आया 1 2 दो आ गया, तो यहां से कितना आया 3, तो टोटल ट्राइंगल अब कितना हुआ, यहां से आया था 21, यहां से आया था फिर से 21, यहां से आया 10, और यहां से आया था 15, और यहां से आया था 3। मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूं, आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मेरा ऐसे हैंडराइटिंग है ही ऐसा, वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइए। तो ये कितना हो गया, 21 21 42 42, और 10 हो गया 52, 52 और 3 हो गया 55, 55 और 15 कितना हो गया 70, राइट, 55 5 60, और 10 70। वैसे ये जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, ये जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये इसको कैसे शॉर्ट में करें, इसका भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे शॉर्ट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना कितना ट्रिक्स है उसमें, उसका वीडियो भी बहुत शॉर्टली आने वाला है, हमारे चैनल में बने रहिए, आप लोगों को मिलेगा, बहुत बहुत मस्त ट्रिक है, बहुत जल्दी कर पाएंगे कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी हो, इसको वैदिक मैथ बोलते हैं, वैदिक मैथ्स का मैं वीडियो लाऊंगा। तो यहां से कितना आया 70, तो हमारा राइट आंसर कितना है 70, हम लोग का पहले कितना आया था 105 105, राइट नहीं है, रॉन्ग है, 70 होगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना, तो फिर से समझाता हूँ मैं इसको, ये साइड को हटा देता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ करके आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार और, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, पहले पहले लगेगा हार्ड, वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग फ्यूचर में लाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन का क्लास लाएंगे तब सारा क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट होगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये हो गया ये 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 कहाँ से है, यहाँ से है, फिर यहाँ से लास्ट में यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करके ड्रॉ किया हूँ ताकि और एक बार समझा सकूँ ये दोबारा। तो ये जो हम लोग ऑमिट करते करते एक एक करके लाइन करते करके जा रहे हैं, इसमें तो टाइम लगेगा, ऐसा तो इतना तो टाइम नहीं लगेगा ना, रहेगा हमारे पास एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में हम लोग क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ऐसे लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, सिर्फ आप लोग को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना आना चाहिए, कितना अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख पाओगे ना क्वेश्चन तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन एकदम आसान से एकदम सिंपल सा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से हम लोग यही क्वेश्चन है, सेम है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करने वाले, पहले नंबरिंग करेंगे, नॉर्मली पहले नंबरिंग करेंगे, इस ये यही प्रोसेस है, इसको मैं थोड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, आसानी से, एग्जाम हॉल में आप लोग कैसे सोच रहे हैं, तो हम आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क करेंगे कि ये पहला वाला ट्राइंगल है, ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये पांचवा, ये छठवा, अगर सारा लाइन सिमिलर होता तो हम लोग जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर बेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक के लिए हम अलग अलग करके निकालेंगे, ये वाले लाइन के लिए हमारा यहाँ पे 21 निकल गया, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए सेम है पूरा ये भी जितना है, ये भी जितना है, तो इस लाइन के लिए भी हमारा 21 आएगा, आ गया। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर वाले लाइन के लिए, एक एक लाइन, क्योंकि ये पूरा
पूरा पूरा नहीं जा रहा है, लाइन बीच में से कट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके लाइन लेंगे। अगर ये सेम रहता तो हम लोग अलग अलग करके नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको मार्क करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया, यहाँ से आके कितना निकला, यहाँ से निकला 10। फिर हम लोग सिमिलरली ऊपर वाले में जाएंगे, अभी एक एक करके करेंगे एग्जाम्पल, हम लोग ऐसे सोचेंगे एक एक करके, अगर पूरा नहीं रहा, पूरा रहा तो हम लोग बेस काउंट करके मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली। यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कितना आ गया, 15। यहाँ पे कितना आ गया, 1, 2 यहाँ पे आ गया 3। फिर हम लोग सब सारे को जोड़ देंगे तो जोड़ देने से आ जाएगा 70। बस खत्म, जस्ट 10 सेकेंड्स, यस मैक्स मैक्स 15 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड लगेगा, उससे ज्यादा ये क्वेश्चन करने में नहीं लगना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन धीरे 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 आसान होते रहेगा। तो ये गया हमारा टाइप 3। हम लोग टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग सारा टाइप कवर कर लेते हैं, फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा सिर्फ। आप लोग क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सारा हमारा इधर ही मिल जाएगा और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेगा, सबसे डिफिकल्ट, सबसे अच्छा और सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। हम लोग कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारे एग्जाम हॉल का क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं टाइप 4। टाइप 3 था तो हम लोग इसको लिख देते हैं टाइप 4, ठीक है ना। तो टाइप 4 में क्या करने वाले हैं, टाइप 4 मस्त है, टाइप 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्राइंगल है, फिर हम लोग शुरू करेंगे एक ही जगह से कि ट्राइंगल दिखता कैसा है। हम लोग पहले क्लास से वही सीख रहे हैं कि ट्राइंगल कैसा दिखता है, दिखने में मैटर करता है, कैसे दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये ट्राइंगल है, नॉर्मल ट्राइंगल है, नॉर्मल सा एक बेसिक सा ट्राइंगल है ये। अभी इसके अंदर मैं दूसरा ट्राइंगल बना लेता हूँ, हो गया दूसरा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गया एक के अंदर एक। तो आप ये वाला बड़ा ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये वाला छोटा ट्राइंगल देख पा रहे हैं, तो टोटल इसमें कितना ट्राइंगल है, हम लोग को कितना क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कैसे ढूंढे। तो हम लोग पहले देखते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है तीसरा ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इसमें चार ट्राइंगल है, इसमें चार ट्राइंगल नहीं है, चार ट्राइंगल नहीं है, इसमें एक और ट्राइंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन ट्राइंगल। अभी आप लोग सीखेंगे हिडन ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है ना। हिडन ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जितना भी क्वेश्चन इसके बाद आएगा उसमें हिडन ट्राइंगल मैटर करता है, उनको देखना पड़ेगा अच्छे से। तो ये चार हो गया, चार के बाद यहाँ पे ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये भी तो ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला, हम तो चार निकाले अंदर से, ये बाहर वाला एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये क्या ट्राइंगल है, यह हिडन ट्राइंगल, या फिर आप लोग हिडन ट्राइंगल करके याद मत रखिए, ये 1, 2, 3, 4 और ये बड़ा वाला, ये हो गया। लेकिन हम लोग क्या एग्जाम हॉल में ऐसे निकालेंगे, एग्जाम हॉल में हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, एग्जाम हॉल में ऐसे निकालेंगे तो फिर वही फंडा हो गया, फिर हम लोग को टाइम लगेगा, गलती होने का चांसेस है, हम लोग को जल्दी करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड, कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट हो। तो हम लोग ये वाले क्वेश्चन को कुछ अलग ही तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ मजेदार तरीके से, फनी तरीके से, फन है मैथ, फन है, मुझे तो नशा है मैथ्स का, मुझे पसंद आता है मैथ्स, रीजनिंग पागल हो जाएंगे, आप लोग को भी मजा आने लगा, आप लोग भी सारे सारे टाइम इसी के बारे में सोचते रहेंगे अगर मजा आने लगा तो। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, राइट, ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होगा, इसमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। पहले तो आपको देखना है कि अंदर कितना है, ट्रिक विक कुछ नहीं है, ट्रिक ऐसे ही, ट्रिक हम लोग बनाते हैं आसानी होने के लिए, ट्रिक अलग से ट्रिक होता नहीं, ट्रिक बनाना पड़ता है। तो आप ही बनाइए मेरे साथ ट्रिक। ये क्या है, 1, 2, 3, 4 चार ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे चार लिख दिया, नॉर्मली चार लिखा, जस्ट चार ट्राइंगल है टोटल तो चार लिखा। और हम लोग अंदर में कितना ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर कितना ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और इसके अंदर ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो अंदर कितना ट्राइंगल है, एक है टोटल, अंदर एक ट्राइंगल है। तो हम लोग ये चार को अंदर में जो ट्राइंगल है, जितना नंबर ऑफ ट्राइंगल है अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया।
तो जितना टोटल ट्रायंगल है उसको हम लोग अंदर वाले ट्रायंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी टोटल ट्रायंगल से भी नहीं, जब बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये जो फिगर निकल के आएगा अंदर से ये वाला, उसको ही हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे जितना अंदर ट्रायंगल होगा उससे। ये अगर बड़ा फिगर होगा तब भी ये चार ही होगा, मतलब ये चार जो है ये कांस्टेंट है। आप लोग अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, बाद में पता चलेगा। आप ही के लिए आप ये समझे कि ये 1 2 3 4 तो टोटल चार ट्रायंगल है तो चार है और अंदर टोटल एक है, इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किया और फिर उसके साथ लास्ट में एक ऐड करना है, एक ऐड करना ही है, ये फॉर्मूला ही है, इसमें एक ऐड करना ही है क्योंकि ये एक है, ये बाहर वाला टोटल जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वो वाला ट्रायंगल है। तो इससे कितना निकला, 4 × 1 = 4 + 1 = 5 आया 5। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पागल हूं कि ये इतना आसानी से निकल रहा था, ये इतना कॉम्प्लिकेशन से क्यों निकाला। इसीलिए निकाला ताकि हम नेक्स्ट जो मैथ करें तब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो है ये वाला अगर याद रखेंगे तो आप कोई भी मैथ सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी ट्राइंगल का प्रॉब्लम ऐसे दिखने वाला ये टाइप का। तो हम लोग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नाम का कोई चीज है ही नहीं। वो लोग हम लोग सोच लेते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नहीं है। ये हमारा पहला फिगर था, अभी हम लोग इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिए। मजा आ रहा है, मुझे फन आ रहा है, तो मैं ट्रायंगल बना दिया, ऐसे ही बना दिया, एग्जामिनर भी ऐसे ही है, ऐसे है ट्रायंगल, अच्छा ठीक है अंदर एक ट्रायंगल और घुसा दिया, घुसा दिया। तभी इसमें कितना ट्रायंगल है, फिर मैं गिनने बैठूंगा तो एग्जाम में पागल हो जाऊंगा। तो हम लोग सेम करेंगे, अंदर कितना ट्रायंगल है, अंदर एकदम अंदर वाले में सबसे छोटा जो ये टाइप का दिखने वाला फिगर है, यही फिगर ये है ना। पहले आप लोग ये बताएं, ये फिगर को मैं अगर उल्टे तरीके से ड्रॉ करूं ये वाले फिगर को, तो ये बनता है कि नहीं, यही तो उल्टा है, यही तो अंदर है, सेम है। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं देखा कि ये ऐसे दिखने वाला फिगर अंदर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये वाला है, सबसे छोटा वाला है, ऐसा देखना है, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना। तो ऐसा दिखने वाला फिगर इसके अंदर सबसे छोटा ये वाला है, इसमें कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखा, पहले भी लिखा था 4, इसलिए मैं बोला कि ये जो फॉर्मूला पहले लिखा था उसमें 4 जो है तो वो 4 कांस्टेंट होगा हमेशा ही, वो 4 हमेशा ही कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमेशा अंदर ये वाला फिगर में 4 ही आएगा। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ही छोटा सा यहाँ पे अंदर दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 टोटल कितना होगा छोटा वाला, 4। और अभी आप लोग बताए कि अंदर का ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के छोड़ के अंदर कितना ट्रायंगल है। पहले जो फिगर था, ये जो फिगर था, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल को छोड़ के इसमें एक था अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 4 × 1 + 1, यहाँ पे अगर हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको अगर हम लोग छोड़ दे तो अंदर कितना ट्रायंगल होता है, अंदर ये एक ट्रायंगल है टोटल ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल है, ये इसके अंदर ये एक है, इसके अंदर एक है, तो इनर ट्रायंगल कितना हुआ, 2। इनर ट्रायंगल कितना हुआ, 2 हुआ। तो हम लोग ये 1 की जगह, इसमें 1 था अंदर एक, इसमें एक और एक, उसके अंदर एक और, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्ट में हम लोग को एक काउंट करना है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, जिससे कितना निकल के आया, 9। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से आप लोगों के लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके अंदर है, इसलिए हम लोग 4 लिए, 4 मतलब 4 लिए, अभी 1 2 3 4, इसलिए 4, और इसके अंदर 2 है, एक और एक 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद 1 हमें जोड़ना ही है क्योंकि लास्ट में एक बड़ा है। तो आज हम लोग एक लास्ट और एक क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप का, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा नहीं है, लेकिन मजा आएगा करने में, करते हैं, मजा आएगा, क्या है। हो गया, इसके अंदर क्या था, ये वाला ट्रायंगल था, इसके अंदर मैं और एक ट्रायंगल बना रहा हूं, बना ही सकता हूं, मेरा मर्जी,
एग्जामिनर का मर्जी बना ही सकता है, तो इसके अंदर एक और ट्रायंगल हो गया, तो कितना हुआ इसके अंदर अभी एक और ट्रायंगल। तो इसको कैसे सॉल्व करें बताइए, 10 सेकंड, 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड का बात है, 5 सेकंड। अंदर कितना ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 4। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, अंदर जितना ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल के अंदर, बड़े ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल है दिखाई दे रहा है बताइए, ये वाला एक और ये वाला एक, 3 है, पहले में 1 था दूसरे में 2 था, इसमें कितना दिखाई रहा है, ये एक अंदर उसके एक अंदर इसके एक अंदर 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया, और लास्ट में क्या करना है 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 30। बहुत आसान है, 5 सेकंड का बात है, इसमें कुछ नहीं है, ये एकदम आसान सा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत डीप, मतलब जो लोग नहीं जानते ये हमेशा एग्जाम हॉल में गलत करके आते हैं, हमेशा ही बहुत ही ज्यादा लोग इसको गलत करते हैं। तो यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करेंगे, लेकिन रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, किसी को पता होगा तो अच्छा बात है, नहीं पता होगा तो मैं जरूर सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन क्या था, ये था ना, ये था 1 2, नहीं ये नहीं था, इसके अंदर और एक ट्रायंगल था राइट, ये था। तो आप लोग जो होमवर्क में जो करने वाले हैं यही क्वेश्चन रहेगा, अभी आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें कितना ट्रायंगल, इसमें कितना ट्रायंगल है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग करिए। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे में आ चुका है, ऐसे रेलवे जेई में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, फिर आपका वो एलपी में भी आता है, फिर बैंकिंग में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, सिमिलर तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, सीखने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ये टॉपिक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का 1-2 सेशन सिर्फ क्वेश्चन लाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करिए, नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या क्या आप लोगों को और चाहिए, क्या आप लोगों को पढ़ना है, कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों का डिमांड है। वैसे मतलब कैलकुलेशन करने का, वैदिक मैथ्स को कैसे मल्टीप्लीकेशन जल्दी करें, कैसे याद करें, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, थैंक यू एंड अच्छे से पढ़िए।